कि हमारे को जो है कानपुर से हमारे सब्सक्राइबर ने हमारे पास जो है मदरबोर्ड भेजा था। ये वाली जो यहाँ पे आईसी लगी हुई है इसको जो है हम पावर आईसी कहते हैं। इस वाली आईसी को जो है एक बारी चेंज करके देखते हैं और आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि देख सकते हैं इसमें जो है हमारे को डिस्प्ले देखने को मिल गई है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कुणाल टेक्निकल सॉल्यूशन में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों कल की एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे को जो है कानपुर से हमारे सब्सक्राइबर ने हमारे पास जो है मदरबोर्ड भेजा था, उसका जो है अनबॉक्सिंग वीडियो मैंने बनाया था। अगर अभी तक आपने मेरा वीडियो वाला नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे जो है मैंने आपको उसका लिंक दे दिया है, तो आप जो है फटाफट से जाकर उसको जो है देख सकते हैं। उसके बाद जो है आप ये वाली वीडियो देखना चाहे तो देख सकते हैं। दोस्तों वो जो मदरबोर्ड हमारे पास निकला था वो था G41 मदरबोर्ड। ये वो जो था ECS का मदरबोर्ड था, तो उसमें जो है नो डिस्प्ले की प्रॉब्लम हमें जो है सब्सक्राइबर ने बताई थी। दोस्तों अभी जो है वो वाला मदरबोर्ड यहाँ पे चल रहा है और वो जो है मैंने रिपेयर कर लिया है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसमें जो है नो डिस्प्ले की ही हमें प्रॉब्लम देखने को मिली थी। वो जो है प्रॉपर ऑन हो रहा था बट उसके अंदर जो है नो डिस्प्ले की हमें जो है प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी। दोस्तों अब जो है मदरबोर्ड तो रिपेयर हो चुका है बट मैंने इसको किस किस तरीके से रिपेयर किया और मुझे क्या क्या चीज़ें इसमें दिक्कत लगी, जो इसमें मेरे को दिक्कत आई और किस तरीके से रिपेयर हुआ, तो आज की वीडियो में डिटेल के साथ आपको जो है मैं ये बताने वाला हूँ कि किस तरीके से जो है हमने वाला जो मदरबोर्ड है वो रिपेयर किया है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर जो है लैपटॉप कंप्यूटर LCD LED रिपेयरिंग कंप्यूटर लैपटॉप सीक्रेट एंड ट्रिक्स रिलेटेड वीडियो आती रहती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों अभी जो है मैं आपको मदरबोर्ड की तरफ फोकस करके दिखाऊंगा कि मैंने इसके अंदर ऐसा क्या किया, क्योंकि इसके अंदर जो है अभी डिस्प्ले आ चुकी है तो मैंने इसमें ऐसा क्या क्या चीज़ें की, क्या क्या प्रोसेस किया जिसकी मदद से जो है हमारा ये मदरबोर्ड ठीक हुआ और साथ में जो है इसमें हमें डिस्प्ले देखने को दोबारा से मिल गई है। तो ये जो है हम अपने सब्सक्राइबर के लिए वीडियो बना रहे हैं कि हमने किस तरीके से इसको रिपेयर किया, बट ये भी आपके लाइफ में काम आने वाली चीज़ है कि मैंने इस मदरबोर्ड को किस किस तरीके से रिपेयर किया। ये आपकी लाइफ में जो है बहुत ही ज़्यादा कभी ना कभी काम में आएगी, इसलिए मैं जो है इसकी वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मदरबोर्ड की तरफ और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से मदरबोर्ड को हमने जो है रिपेयर किया था। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मदरबोर्ड की तरफ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये वाला जो मदरबोर्ड है देख सकते हैं ऑन हुआ हुआ है और ये जो है हमने यहाँ पे SMPS लगा रखी है। और आप ये वाली जो हमारे को एरर देखने को मिल रही है इसके साथ जो है रिपेयर करने के बाद अभी जो है हमने हार्ड डिस्क कनेक्ट नहीं की है, क्योंकि दोस्तों हमें जो है हमारे सब्सक्राइबर ने सिर्फ मदरबोर्ड भेजा था। तो आप देख सकते हैं इसमें डिस्प्ले आ गई है। तो आपको जो है वीडियो के बाद जो है मैं आपको बायोस में जाके भी दिखा दूँगा डिलीट बटन से कीबोर्ड के कि ये जो है हमारा बायोस में जा रहा है या नहीं जा रहा है, और इसके अंदर आपको जो है एक बारी में विंडो इंस्टॉल करके भी दिखा दूँगा, क्योंकि प्रॉपर जब भी हम रिपेयर करते हैं किसी भी मदरबोर्ड को तो प्रॉपर जो है हम उसको चेक करके ही अपने सब्सक्राइबर को वापस भेजते हैं। तो पिछली वीडियो जो है आप हमारी देखेंगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि अगर आपको कभी भी हमारे से कोई भी मदरबोर्ड रिपेयर करवाना है तो आप हमारी कोई भी वीडियो को खोल के उसके डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो उसके अंदर जो है उसमें इंस्टाग्राम का लिंक होता है, तो इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करके हमें इंस्टाग्राम पे पर्सनल मैसेज करके आप जो है हमारे को अपना मदरबोर्ड सेंड कर सकते हैं, तो हम जो है उसको इसी तरीके से रिपेयर करके पूरे अच्छे तरीके से चेक करके आपको जो है वापस हम सेंड कर देते हैं। दोस्तों अब जो है मैं वीडियो को शुरुआत करता हूँ और आपको जो है मदरबोर्ड की तरफ फोकस करके एक एक चीज़ बताता हूँ कि हमने इस मदरबोर्ड को किस तरीके से रिपेयर किया और हमें क्या क्या चीज़ें इसके अंदर जो है हमें कौन कौन सी दिक्कतों का सामना इसके अंदर करना पड़ा। तो चलिए दोस्तों फटाफट से जो है मदरबोर्ड की तरफ आपको अच्छे से फोकस कर देते हैं। तो दोस्तों अब जो है मैं आपको बताने वाला हूँ हमारा जो मदरबोर्ड है इस समय चल रहा है, तो हम जो है इसको चलने देते हैं। देख सकते हैं SMPS से हमारा मदरबोर्ड जो है कनेक्टेड है पूरे अच्छे तरीके से। तो अब जो है आपको हम बताते हैं, मदरबोर्ड की तरफ थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से नज़र आए कि किस तरीके से हमने जो है ये वाला मदरबोर्ड जो है ठीक
किया था। दोस्तों आप देख सकते हैं इसके अंदर क्या होता है, हमने जब इसमें डायग्नोस्टिक कार्ड लगाया था मदरबोर्ड के अंदर में, इस जगह पे जो है हमारा डायग्नोस्टिक कार्ड लगता है, तो डायग्नोस्टिक कार्ड जैसे ही मैंने लगाया था इसके अंदर में, तो हमें जो कोडिंग शो हुई थी वो कोडिंग शो हुई थी दोस्तों 00 की कोडिंग, 00 की कोडिंग। अभी मैं आपको डायग्नोस्टिक कार्ड लगा के दिखाऊंगा कि अभी जो है हमारे को कौन सी कोडिंग दिख रही है, बट इसके अंदर जब मैंने अपना डायग्नोस्टिक कार्ड लगाया था तो डायग्नोस्टिक कार्ड लगाने के बाद हमारे को जो है 00 की कोडिंग जो है शो कर रही थी। पंखा इसी तरीके से घूम रहा था और जो है इसके अंदर 00 शो करने का मतलब ये था कि हमारा जो मदरबोर्ड है इस समय पूरा डेड कंडीशन में है। भले मदरबोर्ड ऑन हो रहा था, इसके अंदर डिस्प्ले जो है हमारे को देखने को नहीं मिल रही थी। तो उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने ये वाला पंखा खोला, इसके चारों लॉक खोल के मैंने प्रोसेसर को सबसे पहले चेंज करके देखा कि प्रोसेसर की वजह से तो ऐसा नहीं हो रहा था। तो दोस्तों जब मैंने प्रोसेसर को चेंज किया, इसके अंदर जो कोटू ड्यू का 2.33 GHz का प्रोसेसर लगा हुआ है, तो मैंने सेम ही प्रोसेसर इसके अंदर लगाया 2.33 GHz का, बट उसके बाद भी जो है हमारे को डिस्प्ले देखने को इसमें नहीं मिली। तो उसके बाद जो है दूसरा, हमने जो है इनका प्रोसेसर भी जो है इसलिए चेंज किया था, जैसा कि आप देख सकते हैं कस्टमर ने जो है हमें पहले ही बता दिया था कि इनके प्रोसेसर में जो ये वाली जो कंपोनेंट लगा हुआ है यहाँ वाला, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये जो है थोड़ा सा टूटा हुआ है, तो इस वजह से भी जो है हमने इनका प्रोसेसर चेंज करके देखा। तो अभी जो है हम इनका प्रोसेसर लगा देंगे, अभी जो है ये हमारे वाले प्रोसेसर पर चल रहा है। आपको दिखाने के लिए जो है मैंने ये वाला प्रोसेसर जो है निकाला था, तो इनका जो है जो प्रोसेसर है यहाँ से थोड़ा सा टूटा हुआ था, बट इससे भी जो है डिस्प्ले आ रही है इनकी, तो ये भी अभी के लिए तो ठीक लग रहा था हमारे को, तो इसलिए जो है इसको भी हमने जो है इसमें अभी हम लगा देंगे, ठीक है। तो रैम वगैरह चेंज करके देखी इसकी, रैम वगैरह चेंज करने के बाद भी हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट नहीं हुई थी। तो उसके बाद दोस्तों इसके अंदर मैंने क्या किया, जब हमारे यहाँ 00 शो हो रहा था और इसका प्रोसेसर जो है हमारा हीट नहीं हो रहा था, आपको पंखा निकाल के भी दिखा दूंगा मैं अभी, जो अब इसका प्रोसेसर जो है वो हीट नहीं हो रहा था, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो है पावर आईसी बोला जाता है इसको, जैसा कि आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ये जो है यहाँ पे ये वाली अभी जो है आईसी आप देख पा रहे होंगे, ये वाली जो यहाँ पे आईसी लगी हुई है इसको जो है हम पावर आईसी कहते हैं, ये बिल्कुल जो है प्रोसेसर के पास लगी होती है। तो हमने जो है सबसे पहले इस वाली आईसी को चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद दोस्तों इस आईसी को हमारे जो नंबर है वो धीरे धीरे चलने लगे, बट दिक्कत हमारे को ये देखने को मिली कि कभी डिस्प्ले आ रही थी कभी डिस्प्ले नहीं आ रही थी, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे को दिक्कत देखने को मिली, बट इनका जो प्रोसेसर है वो प्रॉपर तरीके से हीट होने लग गया था। प्रॉपर तरीके से जब मैं प्रोसेसर पे हाथ रख रहा था तो बहुत ही ज़्यादा हीट होने, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जैसे हीट होता है बोर्ड हीट होने लग गया था। कोडिंग जो है हमारी थोड़ी बहुत चलने लग रही थी, जैसे जैसे डिस्प्ले की तरफ कोडिंग जा रही थी, बट बीच में जो है रुक रही थी हमारी कोडिंग। तो उसके बाद जो है दोस्तों मेरे को, मैंने थोड़ा सा इसको जो है चेक किया, सारे जो है पावर सेक्शन के जो मॉसफेट्स होते हैं, मॉसफेट्स भी जो है मैंने पूरे अच्छे तरीके से चेक किए। अगर मॉसफेट चेक करने का तरीका देखना है तो आप जो है बाकी की मेरी वीडियो जो है देख सकते हैं। इस वीडियो में जो है मैंने फटाफट से जो है सबसे पहले सोचा कि इनका मदरबोर्ड जो है मैं रिपेयर कर लेता हूं, उसके बाद जो है आपको मोटा मोटा बता दूंगा कि मैंने क्या किया था, क्योंकि काफ़ी वीडियोस में जो है मैं डिटेल के साथ बचा चुका हूं कि किस तरीके से मॉसफेट को चेक करते हैं। तो उस तरीके से जो है मॉसफेट को मैंने इसमें जो है चेक किया था। अगर ज़्यादा होगा तो अभी जो है मैं आपको एक बारी चेक करके दिखा भी दूंगा पंखा वगैरह निकाल के। उसके बाद दोस्तों जब मेरे को लगा कि यहाँ पे जो है कोडिंग चल रही है, ठीक है, और बीच में ये जो है रुक रहा है, तो मैंने क्या किया दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ उस जगह पे। या आप ये वाली जो है आईसी देख पा रहे होंगे, ये वाली, इस वाली आईसी को जो है आप देख पा रहे होंगे, एक तरह से इसको जो है हम बोलते हैं, आप इसको केबीसी आईसी भी बोल सकते हैं, आप इसको कई बार जो है आईओ भी बोलते हैं। तो आईओ जो है मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ इसके अंदर, क्योंकि हल्की फुल्की जो है
ये वाली आईसी हीट कर रही थी, तो हीट करने की वजह से मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, इस वाली आईसी को जो है एक बारी चेंज करके देखते हैं। इस पे जो नाम लिखा है वो लिखा है K33 लिखा हुआ है, जो कि अभी जो है मैंने इसके अंदर आपको नहीं दिख पा रहा होगा थोड़ा सा, क्योंकि ज़्यादा जूम करने से क्या होता है मोबाइल का कैमरा थोड़ा ब्लर सा हो जाता है, तो इस वजह से आपको नहीं दिख रहा होगा। बट इसकी जो आयो की जो मॉडल नंबर इस पे लिखा है वो K33 लिखा है, जो कि मैंने चेंज किया है सेम ही आयो से। तो इसको जो है मैंने बाद में चेंज किया आयो को, ठीक है। तो थोड़ा मेहनत लगती है चेंज करने में, बट हमारे सब्सक्राइबर ने इतनी दूर से हमारे पास मदरबोर्ड भेजा है, तो हमारा पूरा पूरा फ़र्ज बनता है कि 100% जो है हम उनको सेटिस्फाई करें और उनके लिए जो है ये सब मेहनत करें। तो मैंने क्या किया दोस्तों, ये वाली आयो जो आप देख पा रहे होंगे बड़ी वाली, इसको जो है निकाला और दूसरे मदरबोर्ड से जो है इसको हमने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। इसको रिप्लेस करने के बाद दोस्तों मैंने क्या किया, जैसे आपको अभी मैंने बताया पावर आईसी चेंज की मैंने एक, तो ठीक है एक ही वाली पावर आईसी चेंज करी और एक ही वाली जो है आयो हमने चेंज करी थी। तो अभी देख सकते हैं डिस्प्ले अभी तक जो है इसमें आई हुई है। तो अब वापस से चलते हैं मदरबोर्ड की तरफ। तो एक जो है हमने इसके अंदर पावर आईसी को चेंज किया और ये वाली आप आईसी देख पा रहे होंगे, एक जो है हमने इसमें आयो को चेंज किया था। जैसे ही दोस्तों हमने आयो को चेंज किया, रैम को हल्का सा साफ किया, वैसे ही जो है हमें डिस्प्ले देखने को इसमें मिल गई थी। तो आपको जो है मैं बताना चाहता हूँ, अभी जो है मैंने इसके अंदर विंडोज़ डाल के चेक नहीं किया है, तो विंडोज़ डाल के भी जो है मैं अभी आपको चेक करवा दूंगा, क्योंकि प्रॉपर जब तक हम सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो हम जो है कस्टमर को ये वाला मदरबोर्ड सेंड नहीं करेंगे। तो अब जो है मैं आपको एक बारी तरीका बता देता हूँ, फिर भी मोटा मोटा तो मैंने आपको बता दिया कि मैंने इसके अंदर क्या किया, और आपको जो है डायग्नोस्टिक कार्ड की कोडिंग दिखा देता हूँ। एक बारी पंखा खोल के आपको मॉसफेट चेक करने का तरीका बता देता हूँ कि किस तरीके से मैंने मॉसफेट चेक किए। तो अब जो है फटाफट से मैं मदरबोर्ड को थोड़ा सा सीधा करके आपको डायग्नोस्टिक कार्ड फटाफट से लगाकर दिखाता हूँ। देखो मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो को पॉज ना करना पड़े, मैं ऐसे इसको सीधा कर लेता हूँ, ठीक है मैं इसको सीधा कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब जो है SMPS को थोड़ा सा इधर ले आता हूँ, ओके देख सकते हैं डिस्प्ले अभी भी आ रही है इसके अंदर। और अब जो है मैं आपको एक बारी इसको निकाल कर दिखा देता हूँ। पहले जब मेरे को कोडिंग देखने को मिली थी इसके अंदर, वो मिली थी मुझे 00 की कोडिंग। अब जो है मैं एक बारी आपको डायग्नोस्टिक कार्ड लगाकर दिखा देता हूँ। डायग्नोस्टिक कार्ड कहाँ रखा है मैंने दोस्तों, डायग्नोस्टिक कार्ड थोड़ा सा रख के भूल भी जाते हैं, क्योंकि रिपेयरिंग का इतना ज़्यादा प्रेशर होता है हमारे ऊपर। तो डायग्नोस्टिक कार्ड जो है हमारे को मिल गया है, और यहाँ पे जो है मदरबोर्ड हमारा पड़ा हुआ है। डायग्नोस्टिक कार्ड जो है हमने यहाँ पर लगा दिया है, और अब जो है हम पावर बटन पावर से जो है इसमें पावर केबल लगा देते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे पावर केबल हमने इसमें लगा दी है। अब जो है हम इसको जो है ऑन करते हैं। थोड़ा सा नीचे की साइड ले लेता हूँ ताकि आपको सही से दिखाई दे इसके अंदर, और फटाफट से जो है हम इसको जो है ऑन कर देते हैं फ्रंट पैनल से। तो देख सकते हैं किस तरीके से जो है कोडिंग हमारी चल रही है, और यहाँ पे जो है आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगी। तो देख सकते हैं डिस्प्ले जो है हमारी इसमें आ गई है। तो अब जो है दोस्तों अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप देख सकते हैं, बाकी तो मैंने जो है पूरा आपको बता ही दिया कि किस तरीके से मैंने जो है इसको रिपेयर किया है। अब जो है हम इनका प्रोसेसर वापस लगा देंगे, क्योंकि आपको जो फॉल्टी प्रोसेसर है वो दिखाने के लिए मैंने इनका जो है प्रोसेसर निकाला था। तो अगर आपको यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करना है तो आप कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं डिटेल में दोबारा से बता देता हूँ कि मॉसफेट को मैंने किस तरीके से चेक किया। तो फटाफट से जो है पावर की वायर को दोबारा से निकाल लेते हैं। देख सकते हैं डिस्प्ले आ रही है, और आपको एक काम करता हूँ, पंखा खोलने से पहले आपको मैं बायोस में जाके भी दिखा देता हूँ, तब एक बारी पंखा खोलेंगे और वीडियो को जो है एंड यहीं पे कर देंगे। तो मैं कीबोर्ड ले लेता हूँ। तो कीबोर्ड जो है हमारा आ गया है दोस्तों। मैं पूरी पूरी कोशिश करता हूँ कि वीडियो को ना पॉज में बिल्कुल भी ना किया करूँ, ताकि आपको जो है पूरी डिटेल से जानकारी दिया करूँ। दोस्तों आपका भी पूरा फ़र्ज़ बनता है कि आप भी जो है पूरी वीडियो देखकर हमारी जो है थोड़ी सी मदद करें, और सब्सक्राइब भी कर दिया करिए। देखिए हम तो पूरी अपनी तरफ से मेहनत कर ही रहे हैं।
तो आप क्या करेंगे, देख सकते हैं डिस्प्ले आ रही है इसके अंदर, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आपको यहाँ दिखा देता हूँ मैं इसी के साथ साथ। तो यहाँ कीबोर्ड हमारा है, ऑल्ट जो कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट की को जो है हम प्रेस करके इसको जो है हमने रीस्टार्ट कर दिया है। अब डिलीट की को जो है हम यहाँ दबाएंगे। तो डिलीट की को दबाने के बाद दोस्तों देख सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ हम जो है बायोस में आ गए हैं, टाइम वगैरह सब इसमें सेट है। तो बायोस में जाके भी जो है मैंने आपको बहुत ही आसानी से इनका डिस्प्ले जो है दिखा दिया है, वो भी बहुत ही आसानी से। तो अब जो है मैं फटाफट से जो है इसका पंखा खोल के आपको डिटेल के साथ थोड़ा सा मॉसफेट चेक करने का तरीका भी बता देता हूँ। वैसे तो मैंने काफ़ी वीडियोस में आपको बताया हुआ है। तो पावर बटन से जो है मैंने इसको निकाल दिया है, देख सकते हैं वीजीए केबल जो है हम अनप्लग कर देते हैं, कीबोर्ड भी हम जो है निकाल देते हैं, साथ में SMPS भी जो है खोल लेते हैं। तो हमने जो है SMPS खोल ली है। अब इसका पंखा खोलते हैं, सबसे पहले जो है पंखे का कनेक्टर निकाल लेते हैं। इसको जो है चारों लॉक को खोलना है, थोड़ा सा टाइट हो रहा है हो, जैसे आपको भी कभी लगे कभी टाइट हो रहा है, तो स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप जो है माइनस वाला स्क्रू ड्राइवर लेकर थोड़ा थोड़ा इस तरीके से जो है इसको खोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी ही हो जाती है इससे। तो इस तरीके से जो खोल के एक लोग कस्टमर का टूटा हुआ है पंखे का, वो हमने उनको बता दिया है और उन्होंने कहा कि हाँ इसका लॉक टूटा हुआ था। तो हमने जो है पंखा बहुत ही आसानी से खोल लिया है। दोस्तों मेरा कहना ये है कि मॉसफेट्स को चेक ना ही किया जाए, क्योंकि अब जो है मदरबोर्ड रिपेयर हो गया है। तो मॉसफेट चेक करने का तरीका तो आप मेरी बाकी की वीडियोस देख के भी देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी वीडियोस जो है मैंने 2-3 वीडियो ऐसी बनाई है जिसके अंदर जो है मैंने मॉसफेट को जो है प्रॉपर आपको चेक करके दिखाया। तो आप जो है वो वाली वीडियोज़ जो है मेरी चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो जो है लंबी करने का कोई भी ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है। बस फटाफट से हम क्या करते हैं, इसके अंदर ये जो आप देख सकते हैं कस्टमर का जो टूटा हुआ प्रोसेसर है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ से जो है ये ब्रेक हुआ है, देख पा रहे होंगे आप। तो कस्टमर का ये वाला प्रोसेसर जो है हम इसके अंदर जो है लगा देते हैं, देख पा रहे होंगे इस जगह से जो है इनका जो प्रोसेसर है वो ब्रेक हुआ है। जैसा कि एक बार मैं दोबारा से दिखा देता हूँ, यहाँ से ये जगह से इनका जो है प्रोसेसर ब्रेक हुआ है। तो फटाफट से जो है इनका प्रोसेसर हम लगा लेते हैं, इसको खोलते हैं अपने वाले प्रोसेसर को और इसको जो है हम इसमें लगा लेते हैं। ये देखिए निकाल दिया और इनका वाला प्रोसेसर जो है अब फटाफट से जो है हम इसमें लगा के पंखे को जो है दोबारा से पैक करके इसमें जो है आपको विंडोज़ को डाल के दिखाते हैं, क्योंकि मॉसफेट तो मैं काफ़ी आप उसको दिखा चुका हूँ काफ़ी वीडियोज़ में, बट जो है आपको आज जो है मैं दिखाने वाला हूँ कि हमने जो मदरबोर्ड रिपेयर किया है उसके अंदर जो है हम विंडो को इंस्टॉल करेंगे। तो देख सकते हैं एक कनेक्टर जो है मैंने लगा लिया है और उसके बाद जो है हम इसको जो है पैक कर लेते हैं, दोबारा से जो है इसको यहाँ पे लगा लेते हैं पंखे को, ठीक है। पंखा लगाने के बाद आपको जो है हम विंडो डाल के दिखाएँगे। विंडो भी मैं पूरी डाल के नहीं दिखाने वाला हूँ, क्योंकि विंडो डालना भी कोई हमारा वो तो है नहीं, क्योंकि वीडियो को लंबा करने का कोई टॉपिक हमारा बनता नहीं है, क्योंकि अगर हम मदरबोर्ड रिपेयर कर रहे हैं तो हम जो है इसमें प्रॉपर आपको मदरबोर्ड रिपेयरिंग ही दिखाएंगे कि किस तरीके से हमने जो है इसको रिपेयर करा है। बीच बीच में जो है मैं आपको दिखाता रहूँगा कि किस तरीके से इसमें जो है विंडो बूट हो रही है, बीच बीच में आपको मैं परसेंटेज दिखाता रहूँगा विंडो की। तो इसको जो है फटाफट से जब तक के लिए मैं पैक कर लेता हूँ, तब तक के लिए आपको मैं सीधा मिलता हूँ, क्योंकि पंखा भी मैंने लगा ही दिया है, तब मैं आपको सीधा मिलता हूँ विंडो डालते वक्त कि विंडो इसमें किस तरीके से डल रही है। तो चलिए दोस्तों फटाफट से इसको पैक करके आप जो मिलते हैं आपको मिलते हैं विंडोज़ डालते हुए। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हम जो है मदरबोर्ड हमारा जो है रिपेयर हो गया है। तो अभी जो है मैंने इसमें अपनी हार्ड डिस्क लगा रखी है और जो है इसके अंदर विंडो 7 की पेन ड्राइव डाल के विंडो भी जो है हम डाल के एक बारी चेक कर रहे हैं कि बाद में कस्टमर को इसमें ये दिक्कत ना आए कि मदरबोर्ड रिपेयर करने के बाद भी उनकी विंडो जो है दोबारा से इंस्टॉल नहीं हो रही है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी जो है 20% है, अभी जो है ये 21% होएगा, देखिए आप देख पा रहे होंगे।
थोड़ी स्लो जरूर विंडो डल रही है, बट इसके अंदर जो है विंडो को हम जो है पूरी तरीके से इंस्टॉल करके देखेंगे। तो देख सकते हैं 22% जो है, 23%, 24% जो है हो चुकी है, क्योंकि हमारी जो हार्ड डिस्क है वो भी पुरानी है, सेटअप की हार्ड डिस्क है, इस वजह से थोड़ी स्लो जो है डल रही है। तो अभी के लिए जो है ये मदरबोर्ड पूरी तरीके से जो है रिपेयर हो चुका है। देख सकते हैं यहाँ जो है 29 हो चुका है, देख पा रहे होंगे 30 हो गया है। तो पूरी तरीके से जो है इसमें विंडोज़ जो है इंस्टॉल हो रही है। तो दोस्तों हम जो है प्रॉपर तरीके से जो है कस्टमर का या सब्सक्राइबर का जो भी मदरबोर्ड हमारे पास आता है, तो हम जो है इसी तरीके से जो है पूरे तरीके से जेन्युइन तरीके से जो है हम मदरबोर्ड को प्रॉपर चेक करके देखते हैं। रिपेयर करने का हमारा जो है पर्पस नहीं होता है, हम जो है प्रॉपर तरीके से विंडोज़ वगैरह इंस्टॉल करके भी मदरबोर्ड हम चेक करते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो देख सकते हैं विंडोज़ जो है 71% तक जो है पहुंच चुकी है, 72% जो है हो चुकी है। तो प्रॉपर जो है मैं आपको विंडोज़ डाल के इसके अंदर दिखाऊंगा पॉज करके, तभी देख सकते हैं 73% है। अब जो है 100 होने पर मैं आपको जो है दिखाऊंगा। तो 80% तक जो है विंडोज़ पहुंच चुकी है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, और अभी भी जो है हमारा मदरबोर्ड जो है बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। तो विंडो जो है हमारी 89% तक जो है पहुंच चुकी है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 90% भी हो गया है। तो अब जो है 100 पे मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि दोस्तों पूरी तरीके से विंडो डालना मैं इसलिए नहीं बता रहा आपको, क्योंकि एक तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, दूसरा क्या है आपका टाइम वेस्ट भी होगा। तो इस वजह से जो है 90% आप देख सकते हैं हो गया है। कस्टमर की ही रैम लगी हुई है, कस्टमर का ही प्रोसेसर इसके अंदर इस समय लगा हुआ है। दोस्तों देख पा रहे होंगे 98% तक जो है हमारी विंडोज़ जो है पहुंच चुकी है, 99% भी जो है ये हो चुकी है, देख पा रहे होंगे जैसे आप। तो पूरी तरीके से आप जो है वीडियोस में हमारे साथ बने रहिए, देख सकते हैं दोस्तों 100% जो है हमारी विंडोज़ जो है इंस्टॉल हो गई है। तो अब जो है मैं वीडियो को थोड़ा सा पॉज। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, मैंने अभी आपको कितनी आसान तरीके से बताया कि मैंने सब्सक्राइबर को जो है मदरबोर्ड किस तरीके से रिपेयर किया, मैंने क्या क्या चीज़ें इसके अंदर की जिससे जो है ये वाला मदरबोर्ड जो है हमारा रिपेयर हुआ था, और आपको जो है मैंने प्रॉपर 100% तक जो है विंडोज़ को भी इसमें डालकर दिखाया कि हमारा जो मदरबोर्ड रिपेयर हुआ है उसके अंदर जो है प्रॉपर तरीके से विंडो जो है बूट कर रही है। और अगर पीपी फ्यूचर में जो है अपनी विंडोज़ को कस्टमर जो है या सब्सक्राइबर जो है इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो वो बहुत ही आसानी से इसमें जो है अपनी विंडो को इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि हम जो है कभी भी कोई भी मदरबोर्ड रिपेयर करते हैं तो उसको जो है प्रॉपर तरह से हम जो है प्रॉपर तरह से चेक करके अपने सब्सक्राइबर को जो है वापस से पोस्ट करते हैं। दोस्तों आपको मैं दोबारा से बताना चाहता हूँ, कभी भी अगर आपको हमारे पास अपना मदरबोर्ड भेजना हो तो आप जो है हमारी कोई सी भी वीडियो में, भले इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, हमें पर्सनल में मैसेज कीजिए, और आप जो आपको जो है मैं अपना फ़ोन नंबर दूंगा, या आप हमें अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए, मैं आपको कॉल कर लूँगा। अगर मेरे को आपकी जो है प्रॉब्लम जेन्युइन लगी तो मैं आपको ज़रूर कॉल करूँगा और अपना नंबर आपको जो है शेयर कर दूँगा। दोस्तों आज की वीडियो जो है हम यहीं पे एंड करते हैं। ये वाला मदरबोर्ड जो है अब रिपेयर हो चुका है, और जैसा उन्होंने हमारे को पैक करके भेजा था सेम तरीके से हम जो है इसको पैक करके अच्छे से उनको जो है कानपुर वापस डिलीवर जो है कर देंगे। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादातर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लग पाए कि हमने जो है ये नो डिस्प्ले वाला मदरबोर्ड किस किस तरीके से ठीक किया और हमें क्या क्या परेशानियाँ इसमें देखने को मिली। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, इस वीडियो को ज़्यादातर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए।